नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिवंश पंडित और आज आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नया कंटेंट लेके आया हूं कि कंप्यूटर को सेटअप कैसे करें, यानी इस बोर्ड से हम कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके कंप्यूटर के अप्लायंस को हम बताते हैं आपको। तो ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है मेन कंप्यूटर यही होता है दोस्तों। ये है मॉनिटर, इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं और स्क्रीन भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये है यूपीएस, ये जस्ट लाइक इन्वर्टर की तरह काम करता है, ये कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता है। लाइट मान लो चली भी गई तो कंप्यूटर आपका बंद नहीं होगा, जिससे विंडो खराब नहीं होता है। और दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा कीबोर्ड, जैसा कि इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। ये है माउस यानी चूहा। स्टार्ट। तो दोस्तों हम सबसे पहले सीपीयू में कुछ कनेक्ट करेंगे, अब किस तरीके से करना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वाईफाई एडाप्टर है ये मैंने यहाँ पे लगाया है नेट चलाने के लिए, और ये जो वायर है बोर्ड से लिया जाएगा इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पे ये वाला अर्थिंग है, ये वाला न्यूट्रल, ये वाला फेज। और यहाँ मॉनिटर में भी दोस्तों इस टाइप के रहेंगे, जैसा कि आप देखें इसमें भी यही रहेगा। और एक जो है दोस्तों यहाँ कंप्यूटर का जितना भी कुछ भी डाटा को जो है इसमें शो कराने के लिए ये है, जिसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस टाइप का आप देख लीजिएगा और सेम टू सेम इसके हिसाब से इसमें एडॉप्ट कर देना है। और फिर यही चीज़ सेम चीज़ जो है इसके अंदर भी जोड़ना है। इस तरीका से आप अपना कनेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद बारी रह गई कीबोर्ड की, तो यहाँ पे यूएसबी कनेक्टर है, यहाँ पे आप जहाँ मर्जी जहाँ लगा दीजिए, 4-5-6 है इधर। यहाँ पे दोस्तों सेटअप तो तैयार हो गया, अब बारी है पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने एक बोर्ड लिया है, ये बोर्ड यहाँ पे है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कुछ इस तरीके से लगा है, और टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फेज जो है तो कौन सा है। तो यहाँ पे फिर दोस्तों ये वाला फेज आपको दिख रहा है कि ये वाला फेज है, तो यहाँ पे गलत कनेक्शन है। हमको इधर देखिए, हमको इसको उल्टा जोड़ना होगा, ताकि ये हमेशा से ये ध्यान में रहे कि ये इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, अगर दाहिने वाला में लाइट है तो बढ़िया है। तब दोस्तों हम सिंपली, अब बारी आ गई यूपीएस की। तो यूपीएस के अंदर जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें हम मॉनिटर का केबल लगाएंगे, यहाँ पे मॉनिटर का, और यहाँ पे नीचे में सीपीयू का। इतना लगाने के बाद हम इसको रख देंगे, तब यहाँ फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है, लाइट आ रहा है। ये है सीपीयू का कनेक्टर, आप इसको आसानी से इसमें आराम से जोड़ सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से क्लिक करना है, अपना चालू हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ एक बटन होता है,
आपको हम बता देना चाहते हैं, यहाँ जो बटन होता है ये वाला, आप इसको चालू कर दीजिएगा, ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा जो कनेक्शन है थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा, और ये मेरा लैपटॉप जो है तैयार हो गया। पीसी तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि पीसी को सेटअप किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।